Hello students of class 6th. Today we will discuss our new chapter in this video. This is chapter number 5 of geography, the four great realms of our planet earth. हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसके चार सबसे महत्वपूर्ण लोकों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. रियलिम्स को हम बोलते हैं लोक, प्लैनेट को ग्रह बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. वी हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर दैट द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो अर्थ है दैट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ, कि जिस प्लैनेट के ऊपर जीवन है वो कौन सा प्लैनेट है, अर्थ है. वो केवल हमारे एक सोलर सिस्टम के अंदर पाया जाता है. सो इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ, जिसके ऊपर ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है. एंड लाइफ एग्जिस्ट हेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्गिजनल इन्वायरमेंट कंप्राइजिंग थ्री मेन कंपोनेंट्स, लैंड, एयर एंड वाटर. और लाइफ एग्जिस्ट करने का पीछे भी एक रीज़न है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्जिनल इन्वायरमेंट. और यहाँ पर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जिनल इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल वातावरण उपस्थित होता है. कंप्राइजिंग थ्री मेन कंपोनेंट्स, और जो हमारी पृथ्वी है उस पर तीन मेजर कंपोनेंट्स, लैंड, एयर एंड वाटर, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. द लैंड मासेस दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्म द सॉलिड डोमेन कॉल्ड द लिथोस्फेयर. और ये जो भूभाग होते हैं जो कि हमारे पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, दे फॉर्म द सॉलिड डोमेन. ये एक सॉलिड डोमेन यानी कि एक ठोस क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड मासेस. इनको बोला जाता है लिथोस्फेयर, ए स्फेयर विच इज़ मेड अप ऑफ लैंड. ओके, तो उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं स्टूडेंट्स. इट प्रोवाइड्स लिविंग स्पेस फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. ये क्या है, ये क्या देता है स्टूडेंट्स, लिविंग स्पेस. जो बहुत सारे जीव होते हैं उनको रहने के लिए जगह देता है. एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ सॉइल एंड रॉक मटीरियल. और ये सॉइल यानी कि मिट्टी एंड रॉक यानी कि चट्टान, इन मटीरियल्स यानी कि इन सामग्रियों का बना हुआ होता है. द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ फॉर्म द गैसियस डोमेन कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर, जहाँ पर एयर का फैलाव होता है, विस्तार होता है, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ होता है, तो ये क्या बना लेती है, एक गैसियस डोमेन बना लेती है. यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर गैसेस पाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. ओके, तो एटमॉस्फेयर इट इज़ द स्फेयर इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस सराउंड्स द अर्थ. द वाटर दैट फिल्स द डिप्रेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर्म्स द लिक्विड डोमेन कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर. और द वाटर, जो पानी होता है वो गड्ढों में भर जाता है ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर, तो वो क्या बना लेती है, लिक्विड डोमेन. यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लिक्विड पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रो जो वर्ड है, इट मीन्स इट इज़ वाटर. तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी पाया जाता है वो कहलाता है हाइड्रोस्फेयर. दिस कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक द ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड पॉन्ड्स,
एंड फॉर्म्स अ हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। और ये जो हाइड्रोस्फेयर होता है इसके अंदर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ये सब पाई जाती हैं। और ये क्या बन जाता है, जो अन्य जीव होते हैं उनके लिए रहने के लिए आवास बन जाता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। और हाइड्रोस्फेयर में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं। और यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए क्या होता है, उनका हैबिटेट होता है ये। देयर इज़ येट अनदर डोमेन, द बायोस्फेयर। बायोस्फेयर को हम बोलते हैं जीव मंडल। यहाँ पर एक और क्षेत्र पाया जाता है जिसको बोला जाता है बायोस्फेयर, द जोन विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक ऐसा जोन जिसके अंदर सभी जीवन की अवस्थाएं पाई जाती हैं, लाइक पेनिट्रेटिंग द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमोस्फेयर। पेनिट्रेटिंग का मतलब है प्रभाव, जिस पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और ये सारे जितनी भी फॉर्म्स हैं ये सब कहाँ पाई जाती हैं, बायोस्फेयर में पाई जाती हैं। दे टुगेदर मेक बायोस्फेयर। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिथोस्फेयर। द टर्म लिथोस्फेयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स रॉक। जो लिथोस्फेयर है ये ग्रीक वर्ड से आया है स्टूडेंट्स, जिसका मतलब है लिथोस। लिथोस को हम क्या बोलते हैं, रॉक, यानी कि चट्टान। द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द अर्थ सॉलिड आउटर मोस्ट शेल, जनरली नोन एज द क्रस्ट। जो लिथोस्फेयर है इट कंसिस्ट ऑफ अर्थ सॉलिड आउटर मोस्ट शेल। जो हमारी पृथ्वी है उसका जो बाहरी शेल है वो कैसा होता है, ठोस होता है। और इसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। द लिथोस्फेयर इंक्लूड्स लार्ज लैंड मासेस। जो हमारा लिथोस्फेयर होता है उसमें बहुत बड़े बड़े भूभाग पाए जाते हैं, नोन एज कॉन्टिनेंट्स। उनको क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महाद्वीप। ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड वाइड ओशियन बेसिन्स। और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज पाई जाती हैं जिनको बोला जाता है ओशियन बेसिन्स। ऐसी घाटियाँ जिनके बीच में ओशियंस फ्लो करते हैं। एंड स्मॉलर लैंड मासेस सराउंडेड बाई वाटर कॉल्ड आईलैंड्स। और बहुत छोटे छोटे भूभाग जिनके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, उनको बोला जाता है आईलैंड्स, यानी कि द्वीप। आफ्टर 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वाटर एंड 29% इज लैंड, कन्वेंशनली कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज कंटिन्यूस डिस्टिंक्ट मासेस ऑफ लैंड। 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वाटर। हमारी पृथ्वी पर, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 71% हमारी जो अर्थ का सरफेस है उस पर वाटर पाया जाता है एंड 29% लैंड है। कन्वेंशनली कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज। जो महाद्वीप हैं वो बड़े होते हैं। कंटिन्यूस डिस्टिंक्ट मासेस ऑफ लैंड, वो लगातार चलने वाले और डिस्टिंक्ट मासेस, मतलब बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आइडियली सेपरेटेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज़। और इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं और अदर फिज़िकल बैरियर्स लाइक माउंटेन रेंजेस। इनमें माउंटेन रेंजेस यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो भी पाई जाती हैं। दे आर फिज़िकल बैरियर्स। इनको भौतिक रुकावटें बोला जाता है जो माउंटेन रेंजेस होती हैं। द लैंड मासेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 7 continents। जो हमारा भूभाग है वो 7 continents में क्या है, विभाजित है। उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका।
These are the seven continents that comes under the categories of various land masses. The smaller land areas are islands. और जो बहुत छोटे छोटे land areas, यानी कि जो छोटा छोटा सा जो भूभाग होता है उसको हम islands बोलते हैं, यानी कि द्वीप. And the island chains are known as archipelagos. और जो आइलैंड की जो चेन्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्चिपेलोज, पेलेगोस, इसको बोलते हैं द्वीप समूह. इफ यू सी द ग्लोब यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द लैंड मासेस लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अगर आप ग्लोब को अपने ध्यान से देखेंगे तो उसमें जितने भी लैंड मासेस हैं, जितना भी भूभाग है, वो सभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें लाई करता है, उसके अंदर पाया जाता है. वाइल द साउदर्न हेमिस्फेयर इज़ मेनली कवर्ड विद वाटर. जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वो पानी से ढका हुआ होता है. लेट अस गेट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. आइए स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट्स है एशिया. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑक्यूपाइंग 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द ग्लोब. जो कि एक तिहाई जो हमारी लैंड का जो सरफेस है ग्लोब पर उसको ऑक्यूपाई करता है, उस पर अपनी जगह बनाता है. 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लीव्स हेयर. तो एशिया की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 2/3 है जो कि यहाँ पर रहती है. एशिया इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय द स्विस कैनाल. जो एशिया है वो अफ्रीका से अलग हटकर है और स्विस कैनाल से एंड रेड सी से ये अलग होता है. एंड बाय द बेरिंग सी फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका से जो बेरिंग सी है वहाँ से ये अलग होता है. द यूरल माउंटेन्स सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप. जो यूरल माउंटेन्स हैं वो इसको यूरोप से अलग करते हैं. इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट. और ये पैसिफिक ओशियन से चारों ओर से घिरा हुआ होता है. इन ईस्ट, पूरब में. द आर्टिक ओशियन इन द नॉर्थ. और जो आर्टिक ओशियन है वहाँ पर उत्तर से, ये जितना भी नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर आर्टिक ओशियन से ये घिरा हुआ होता है. एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ. और जो इंडियन ओशियन है वो इसके दक्षिण में, दक्षिण दिशा में होती है. द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट लाइज टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है. वी जस्ट अ फ्यू आइलैंड्स विद ग्रुप्स एक्सटेंडिंग टू द साउदर्न हेमिस्फेयर. और इसमें बहुत थोड़े थोड़े से जो द्वीप का जो समूह है, ओके, ये जो इसका दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार होता है. एशिया हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. जो एशिया है उसमें बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं जो कि हमारे वर्ल्ड की हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हिमालयाज विद द हाईएस्ट पीक. जो हिमालयाज हैं उनकी जो पीक है वो काफ़ी बड़ी होती हैं. माउंट एवरेस्ट 8,858 मीटर. जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो हाइट है वो 8,858 मीटर है. लाइंग अलोंग द नेपाल तिब्बत बॉर्डर. और ये नेपाल और जो तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ पर पाई जाती है. इट हैज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. इसका ये यहाँ पर जो है पृथ्वी का सबसे निचला भाग भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं द डेड सी. डेड सी बोला जाता है.
418 मीटर टू 392 मीटर बिलो सी लेवल। तो ये अर्थ से भी कम 418 मीटर से 392 मीटर नीचे होता है, लाइंग बिटवीन जॉर्डन एंड इज़राइल, और ये जॉर्डन और इज़राइल के बीच में रहता है। इट ऑल्सो हैज़ द हाइएस्ट प्लेटू, इसके अंदर बड़े बड़े प्लेटूज पाए जाते हैं, द तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू उनमें से एक है, एंड वास्ट डेजर्ट्स लाइक द गोबी डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट, और बहुत ही मतलब फैले हुए डेजर्ट्स, फैले हुए रेगिस्तान जैसे कि गोबी डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड ह्यूज डिफरेंस इन रिलीफ फीचर्स, एशिया हैज़ वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेजिटेशन। इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से और इसके रिलीफ फीचर्स में जो डिफरेंस है वो आने की वजह से एशिया के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वेरी करती हैं, एंड वेजिटेशन जो यहाँ पर वनस्पति यानी कि ये प्लांट्स से रिलेटेड है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से जो वेजिटेशन है वो भी यहाँ पर वेरी करता है। द क्लाइमेट इज़ बिटरली कोल्ड इन द पोलर नॉर्थ, जो यहाँ पर क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है उत्तरी ध्रुव में, नॉर्थ पोल पे, हॉट एंड ड्राई इन द सेंटर, और सेंटर वाला जो पार्ट है उसमें हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, एंड द साउथ वेस्ट एंड हॉट एंड ह्यूमिड इन द ट्रॉपिकल साउथ, और साउथ में जो क्लाइमेट है दैट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। एशिया इज़ ऑल्सो होम टू सम वंडरफुल एनिमल्स लाइक द बंगाल टाइगर, बैक्ट्रियन कैमल, एंगोरा गॉट एंड द रेड पांडा। एशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले जानवर पाए जाते हैं, या फिर इसे आप उनका घर भी कह सकते हैं, लाइक द बंगाल टाइगर, बैक्ट्रियन कैमल, एंगोरा गॉट एंड द रेड पांडा। तो ये था स्टूडेंट्स एशिया। अब डिस्कस करेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये एशिया के बाद में आता है, कवरिंग अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड, और ये 1/5 जो पृथ्वी की जो लैंड है उसको कवर करता है, उसको ढकता है। बोथ द प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर पासिस थ्रू अफ्रीका, जो प्राइम मेरिडियन है और जो इक्वेटर है वो अफ्रीका से पास होता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में रहता है। दिस मेक्स इट द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल एरिया इन द वर्ल्ड, और यही इसको सबसे बड़ा ट्रॉपिकल एरिया वर्ल्ड के अंदर बनाता है। द कॉन्टिनेंट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये यूरोप से अलग होता है बाय मेडिटेरियन सी, एंड फ्रॉम एशिया, एशिया से भी अलग होता है बाय द रेड सी। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार इन द नॉर्थ वेस्ट, द स्विस कैनाल इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड द स्ट्रेट ऑफ बैब इल मंदेब कनेक्ट अफ्रीका टू यूरेशिया। तो जो जल संधियाँ होती हैं जैसे कि गिब्राल्टार इन द नॉर्थ वेस्ट, स्विस कैनाल इन द नॉर्थ ईस्ट, और बैब इल मंदेब, ये भी क्या है, एक जल संधि है जो कि अफ्रीका को यूरेशिया से कनेक्ट करती है। द इंडियन ओशियन लाइज अलोंग इट्स ईस्टर्न कोस्ट, जो पूर्वी तट है वहाँ पर इसके इंडियन ओशियन लाई करती है, वहाँ पर इंडियन ओशियन पाई जाती है, ऑन द वेस्ट, और इसके पश्चिम दिशा में इट इज़ बाउंडेड बाय द अटलांटिक ओशियन, और इसके पश्चिम में कौन सी नदी पाई जाती है, अटलांटिक ओशियन पाई जाती है,
बाउंडेड का मतलब है घिरा हुआ, एटलांटिक ओशियन से इसका जो पश्चिमी भाग है वो घिरा हुआ होता है। टू द नॉर्थ द सहारा द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट एंड द कालीहारी डेजर्ट्स लाई इन द साउदर्न पार्ट। टू द नॉर्थ जो इसका सहारा डेजर्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और जो कालीहारी डेजर्ट है वो इसके साउदर्न पार्ट में लाई करते हैं, यानी इसके दक्षिणी भाग में लाई करते हैं। रिवर नाइल विच ड्रेन्स इन टू द मेडिटेरियन सी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और जो रिवर नाइल है जो कि मेडिटेरियन सी में जा कर के गिरती है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। द कॉन्गो बेसिन इज़ कवर्ड विद द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। और जो कॉन्गो की जो घाटी है वो वर्ल्ड की सबसे दूसरी बड़ी रेन फॉरेस्ट से ढकी हुई घाटी है। ऑन द एजेस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ अ लैंड ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं इसके किनारों पर देर इज़ अ लैंड ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब जहाँ पर घासीय ज़मीन है वो पाई जाती है। ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दूसरी साइड में, दिस ग्रासलैंड इज़ कॉल्ड सवाना। और इस ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है? सवाना बोला जाता है। सम एनिमल्स यूनिक टू दिस ग्रासलैंड आर द टू हॉर्न राइनो। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि इस ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है टू हॉर्न राइनो, जेब्रा, एंटीलॉप यानी कि हिरन, हाइना, अफ्रीकन एलिफेंट एंड अफ्रीकन लॉयन अमंग अदर्स। ये सभी जानवर हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। द एटलस माउंटेन रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मोरोको टू ट्यूनीसिया फॉर्म्स अफ्रीकाज लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन। और अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन चेन कौन सी है? एटलस माउंटेन रेंज है जो कि मोरक्को से तुनीसिया तक एक्सटेंड करती है, मतलब मोरक्को से तुनीसिया तक इसका विस्तार होता है। माउंट क्लिमेंजारो इन तेंजानिया, तेंजानिया में माउंट क्लिमेंजारो एंड माउंट केनिया इन केनिया आर एक्सटिंक्ट वेलकैनोज। जो माउंट केनिया है और माउंट क्लिमेंजारो है ये विलुप्त ज्वालामुखी हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। द ग्रेट रिफ्ट वैली एक्सटेंड्स फ्रॉम तेंजानिया टू यूथीपिया एंड ऑल्सो अलॉन्ग द रेड सी। जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो तेंजानिया से उसका विस्तार होता है टू इथोपिया, इथोपिया तक एंड ऑल्सो अलॉन्ग द रेड सी। इट इज़ रिच इन वॉल्केनिक सॉइल। ये ज्वालामुखी नामक मिट्टी में रिच होती है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है। एंड हैज़ सम ऑफ द बेस्ट फार्मलैंड्स ऑफ अफ्रीका। और इसी वजह से ये बहुत बढ़िया फार्मलैंड्स यानी कि खेत में होती है अफ्रीका के। लेक विक्टोरिया इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। लेक विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी ठंडे पानी की झील है। ओके तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको एशिया और अफ्रीका ये दोनों कॉन्टिनेंट्स समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।